जोक अगर ऐसा रिपीट हो जाए तो उसके लिए हमें ब्लेम मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो सिद्धू साहब हैं उन्होंने मुझे हम सबको ये बताया है कि कोई अगर एग्जाम रिपीट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे उनके उदाहरण बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। फोन फोन एक मिनट एक मिनट। अगर राम का नाम बार बार लो तो कहोगे रिपीट होता है। जोरदार तालियां। एक ऑटो वाला खड़ा था, एक बुजुर्ग बेचारा आया ऑटो वाले के पास में। बेटा राजेश खन्ना गार्डन चलोगे? तो ऑटो वाले ने कहा, आपको देख के लगता है अंकल आपको राजेश खन्ना गार्डन नहीं आशा पारेख हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमारे बंगाली भाई जो होते हैं वो कैसी कैसी बात करते हैं। देखिए मेरे से एक दोस्त मिला बंगाली भाई, ए चल तेरे को सलाम, देखो चाय पिलाता हूँ। दुकानदार से बोलता है, ए दुकानदार एक बेकार दूध का चाय दो। वो दुकानदार घबरा गया, बेकार दूध का चाय? मतलब घबराइए मत, ये बिगड़ दूध का चाय मांग रहा है। कलकत्ता से जो ट्रेन निकलती गीतांजलि एक्सप्रेस वीटी के लिए, अब वो ट्रेन आगे निकल भी गई इनको पता नहीं, दो बंगाली भाई दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए, चटर्जी और चक्रवर्ती। ट्रेन आई निकल गई, ये बंगाली भाई, ए सो जल्दी करो गाड़ी रोक, चला गई है चक्रवर्ती, जल्दी करो ये सलाह, जल्दी पकड़ो तू, जल्दी कर धोती छोड़, क्या किया का घुस गए। एक आदमी क्या है क्या है, हम कितनी देर से आवाज करता गाड़ी रोकता नहीं। तू आ गया ना, हमको नहीं जाना है, उसको ही जाना तो नीचे दौड़ रहा है। हम तो उसको छोड़ने आए था दादा। कीड़े? क्या कीड़े? कीड़े मतलब क्या है? कीड़े मतलब यही सब, तुम अभी हमको सलाह गाड़ी रोको, नीचे सलाह दौड़ रहा है, उसको जाना है। एक काम कर, चैन खींच, चल चैन खींच उधर, चैन खींचने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर बढ़ाया, ऊपर से चाटा पड़ा। कौन मारा रे? हमको सला चाटा मारा, सला कौन मारा देखता बाद में। फिर एक बार, फिर एक चाटा, एक बार नहीं मारता दो बार मारता, कौन मारता सला? क्या सला बाप का मार समझे क्या? कौन है ऊपर से आदमी? क्या कर रहा है तू? हम चैन खींच रहा है। चैन नहीं, आधा घंटे से हमारे पोजे में का नाड़ा खींच रहा है। अभी चैन को खींचा गया और ट्रेन को रोका गया, जिनको जाना था वो चढ़ गए ऊपर और जिनको नहीं जाना था उतर गए। ट्रेन शुरू हुई, चालू कंपार्टमेंट हाउसफुल, जगह नहीं, तो ये पापा जी के पास जाकर कहते हैं, दादा यही दादा यही दादा। पापा जी हैं, क्या हुआ? आप हमको थोड़ा जागा देगा? जागा थोड़ा जागा। पापा जी ने कहा, जाके सो जाओ, मैं तुझे जगा दूंगा। मैं तुझे जगा दूंगा, जाके सो जा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा, समझ गया बंगाली, जाके सो जा, मैं तुझे जगा दूंगा। नहीं शाम जा, हम बोला जागा, कैसे जगा कैसा? आप उठो, उनको उठा दिया, खुद बैठ गए, ऐ जागा। बड़ा होशियार बनता है, मुझे उठा खुद बैठ गया, अब मुझे कौन जगा देगा? आमी जागा देगा। तब आप सो जाओ, आमी जागा देगा। यहाँ पर बॉम्बे पहुंच गए तो उनको बस चाहिए, बस। तो मराठी भाई से पूछते, दादा एक दादा इधर बस किधर मिलेगा? बस मराठी आदमी, इधर से आया तू? कोलकाता से। उधर बस नहीं आता है।